हेलो एस्पिरेंट्स। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था द इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, फिर एपिक्स के बारे में हमने जाना कि क्या क्या चीजें रिलेटेड टू द एपिक्स उस टाइम में हमने देखी कि पंचायती राज से क्या रिलेटेड है इन रामायण एंड महाभारत। उसके बाद हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा ब्रिटिशर्स एरा में मेयोस का रिजोल्यूशन देखा, रिपन का देखा हमने एक्ट, एंड देन वी हैव सीन द मॉन्टेग्यू चेम्फोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, अब हम आज देखेंगे जो टॉपिक, उसके बाद हमने लास्ट एंड किया था क्लास को कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, व्हाई द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इवॉल्व, इतनी सारी कमिटीज क्यों बनी, क्यों जरूरत पड़ी इतनी कमिटीज की, वो हमने लास्ट क्लास में देख रखा था। एक बार और हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं आप लोग चाहेंगे तो। चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ उसको, ठीक है, चलिए रिवाइज हो जाएगा आपका। चलिए, तो ये हम लोगों ने क्या देखा था, इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस टू प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। किसके लिए, एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को कहीं हमको एक्चुअल में ऑन ग्राउंड अगर देखना है तो उसका फाउंडेशन क्या है। एक भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हर एक पीपल जो है उनका वोट, हर एक पीपल का जवान, हर एक पीपल की बात मानी जानी, सुननी जानी है। ठीक है, यही तो डेमोक्रेसी है। तो अब वो डेमोक्रेसी हर एक पीपल, ईच एंड एवरी पीपल ऑफ इंडिया, कब होगा, जब सबसे नीचे, सबसे डाउन ट्रोडन, सबसे लास्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी में। लास्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, रूरल एरिया का सबसे छोटा विलेज, उस लेवल ऑफ विलेज में भी हमारे, जब उनको भी बोलने की पावर, उनको भी सुनने के लिए कोई हो, तभी आपकी डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या होती है, मतलब एक्चुअल में कहा जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द लोकल लीडरशिप। मैंने बताया था आप लोगों को, अगर लोकल लीडरशिप मतलब एक पर्टिकुलर जगह है, वहां एक कोई विधानसभा है, जैसे मानिए एक कोई एक आपका एक एरिया है, डिमार्केटेड एरिया ऑफ एन एमपी या एमएलए का एक एरिया है, उस एरिया में आप देखे होंगे एमपी का एरिया में आपको क्या मिलता है, एक रूरल एरिया भी मिलता है आपको, वहां अर्बन एरिया भी मिलता है। जनरली द पीपल ऑफ अर्बन एरिया हैज द मोर कैपेसिटी एंड हैज द मोर कनेक्टिविटी विद द पीपल ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस के साथ। मगर रूरल एरिया में जब आया लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पहले भी ये देखा गया था, आप देखेंगे कहीं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आपको क्या दिखते हैं, बैरिस्टर्स दिखते हैं, लॉयर दिखते हैं, और बड़े बड़े घरों से या बड़े बड़े जगहों से हैं। तो ये उस पर्टिकुलर टाइम में ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द लोकल लीडरशिप था, सबसे नीचे लेवल पे जब लीडरशिप हमारी ट्रेन होगी धीरे धीरे ना भाई, ग्राम सभा में आप सीखेंगे, उसके बाद ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, तो इट इज ये रीजन था। ठीक है, देन द लोकल पीपल नो देयर प्रॉब्लम वेल एंड सजेस्ट बेटर सॉल्यूशन। भाई अब आपके वार्ड में, आपके गांव में पानी नहीं आ रही है, तो आप ही सबसे पहले बता पाएंगे ना, भाई आपके गांव में कहीं जो वो है कैटल है, वो कहीं किसी खेत में घुस जा रहे हैं, तो आप ही ना सॉल्यूशन देंगे उसका, आप ही ना उसको सबसे पहले क्या कर पाएंगे, पिन पॉइंट कर पाएंगे। तो दिस वॉज द रीजन फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। देन एनकरेज सेल्फ हेल्प एंड वॉलेंटरी सर्विसेज, ये भी समझ आ गया आपको। देन गवर्नमेंट कैन रीच ऑर्डिनरी पीपल। भैया मैंने बताया था आप लोगों को कि एक एमपी, एमएलए, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के लिए सबसे नीचे लेवल के आदमी से हर पर्टिकुलर दिन, हर दिन, हर बात के लिए सुन पाना इज नॉट पॉसिबल। आप बोलेंगे हमने ही तो चुना है, मगर भाई 18 लाख लोग होते हैं, 18 से 15 लाख लोग एक एमपी के पीछे, एक एमएलए के पीछे 8 से 10 लाख लोग हैं, एक कलेक्टर के पीछे आपके पास 3 से 4 लाख लोग हैं। तो आप सोचिए आपके, उनके पास इतना वैसे ही बर्डन प्रेशर है उनके पास, तो कैसे आपके तक सुन पाएंगे। तो आपको सुनना भी जरूरी है, क्यों सुनना जरूरी है, डेमोक्रेसी हमको इंडिया में एस्टेब्लिश करनी है अच्छी, तो उसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने ऑर्डिनरी पीपल को सुनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंस है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। वो इसीलिए और क्या बोल सकते हैं कि वो बर्डन किस में लेस करता है, सेंट्रल और स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि ये सब चीजों से अचीव करने के लिए क्या क्या कमिटीज हमारे देश में बनी हैं आज तक। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हैं। चलिए, तो आ गया पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक। ठीक है, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1947 के बाद 1952 में हमारा आता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन के तैयार होता है। सबसे पहला चीज हमको पोस्ट इंडिपेंडेंस में दिखता है आर्टिकल 40 एंड आर्टिकल 246। आर्टिकल 40 क्या बोलता है, आपको पता होना चाहिए कि द स्टेट शेल टेक स्टेप, द स्टेट, स्टेट मतलब इंडिया। आर्टिकल 13 ये बोलता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यू कैन सी इन आर्टिकल 13। तो स्टेट का मतलब इंडिया शेल
टेक स्टेप फॉर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, मतलब ये बोल रहा है हमको आर्टिकल कि विलेज पंचायत बनाने के लिए हमारे स्टेट को काम करना होगा, विद द एंडोमेंट टू हैव पावर एंड अथॉरिटी टू फंक्शन एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये आपको आर्टिकल दिख रहा है जहां से PRI बनने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको पावर मिलती है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक आदमी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। स्टार्टिंग में ही वॉज थोड़ा सा एप्रीहेंडेड टुवर्ड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बट लोगों ने कन्विंस किया उनको एंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वॉज देयर। इस आर्टिकल के बारे में स्टोरी बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपको अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 40 को डालने के लिए, और उसके बाद भी वो आर्टिकल डला था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। आर्टिकल 40 किस पे आता है? गांधीयन प्रिंसिपल, और उसके साथ साथ ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्चुअल में नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, तो इसलिए इसको आर्टिकल वो डाल दिया गया बहुत डिस्कशन के बाद भी कि चलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगा और बाद में कभी बना दिया जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 256 जो है वो हमको पावर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है गवर्नमेंट को टू हैव द डिफरेंट लिस्ट डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये हम लोग को पावर मिलता है जो स्टेट और सेंटर के जो लिस्ट है उनकी चीजें जो हम लोग जो ग्राम पंचायत को देते हैं। तो ये दो आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं जैसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो दो जो गवर्नमेंट होती है सबसे पहले स्टार्टिंग में इसको एनकैश करने के लिए सबसे पहले क्या लाती है? CDP, दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक्चुअल में एक अमेरिकन US के एक सोशियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं आप, एक आर्किटेक्ट थे वो, उनका नाम वो आते हैं इटावा में, इटावा जो यूपी में है वहां पे वो क्या करते हैं कुछ कुछ एक मॉडल टाइप ऑफ थिंग चालू करते हैं उस विलेज में। तो वहीं से CD जो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा उस पर्टिकुलर टाइम की गवर्नमेंट जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट होता है? तो 2 अक्टूबर 1952, द डे गांधी जी इज बर्थडे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? बेस्ड ऑन द आइडिया दैट प्रोग्रेस कुड बी अचीव्ड, आप समझिएगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेस कुछ कुड बी अचीव्ड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। प्रोग्रेस हमारे देश का कब होगा? इसका मतलब ये है, इस जो CDS है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बोलता है कि देश का प्रोग्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है? हेल्थ, स्किल, एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन एंड द यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज। और क्या? अब इनका कहना था, लेट्स टेक द एग्जाम्पल, कोई एक विलेज है जहां सिल्क का प्रोडक्शन बहुत होता है, कोरबा के पास छुरी वाला इलाका जो इधर है उधर होता है बहुत। अब उस विलेज को कहीं ग्रो करना है तो ऑब्वियसली वहां का लोकल रिसोर्स, वहां का जेम है वो क्या? सिल्क। वहां का उस सिल्क को कहीं एनकैश करेंगे जो किया जा रहा है, उसके बाद ही ना वहां पे ग्रोथ होगा। तो यही जो 1952 में था उनका कहना था कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन स्किल है, एंड द लोकल रिसोर्स, इन दोनों के मिक्सचर से हम कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। किसका डेवलपमेंट? कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल डेवलप, उससे क्या होगा कम्युनिटी का डेवलपमेंट होने से? भाई लोग डेवलप होंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, पैसा आएगा, एजुकेशन बढ़ेगा, विलेज बढ़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज इससे टेक प्लेस करेगा, ठीक है। नाउ अब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक इशू आ रहा था कि उसमें इकोनॉमिक फंड्स की कमी हो रही थी। भाई इतना बड़ा देश, पहली बार कोई इतना पैन इंडिया, मतलब पूरे देश के लिए आप एक कोई एक क्या लाए थे, एक स्कीम लाए थे, तो उसको फंड दिया गया किससे? नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, ठीक है, 1953। और क्या इंपिटस दिया गया इसमें? तो ट्रेनिंग फॉर द लोकल पीपल ऑफ द विलेज, ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। दोनों ही फेल कर जाते हैं, दोनों के दोने जो ये स्कीम्स हैं, जो ये प्रोग्राम्स हैं, ये फेल कर जाती हैं। अब इसका रीजन क्या दिया जाता है? देखिए यहां लिखा है बोथ फेल्ड, द रीजन वाज एक्सेसिव पॉलिटिक्स। भाई नया नया पॉलिटिक्स चालू हुआ था, हर आदमी को अपने विलेज में कुछ ना कुछ करना था, तो ये एक्सेसिव पॉलिटिक्स के भेंट चढ़ गए ये दो प्रोग्राम, ठीक है। देन लैक ऑफ पार्टिसिपेटिंग ट्रेनिंग, पार्टिसिपेशन, पीपल, लोगों को, यार आप सोच के देखिए,
एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं मैं कि उस पर्टिकुलर टाइम में लोगों को स्किल डेवलपमेंट की जरूरत थी, बट लोगों को ये समझ नहीं थी कि स्किल डेवलपमेंट उनको जरूरत है। क्यों भाई? देश आजाद हुआ, गरीबी बहुत ज्यादा थी, हालात पैमाइंस के थे, देश में हेल्थ की बहुत सेक्टर की कमी थी, लोग अभी बस इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था, लोग अभी बस रहे थे, तो ये सब रीजंस थे। आप समझ रहे हैं कि पार्टिसिपेशन वर वेरी लो, लोग वैसे ही थक चुके थे इतने साल के क्या आजादी की लड़ाई से, तो इस पर्टिकुलर टाइम में पार्टिसिपेशन लो रहता है और ट्रेनिंग भी नहीं हो पाती है। ठीक है, ट्रेनिंग भी, लैक ऑफ ट्रेनिंग भी रहती है वहां पे उस पर्टिकुलर टाइम पे। देन अब सरकार अब क्या सोचती है कि यार ये दो प्रोग्राम तो हमारे फेल कर गए, अब बैठक बोलते हैं ना किसी हार के बाद समीक्षा बैठक बैठाई जाती है, आप लोग न्यूज चैनल में पढ़े होंगे इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की हार हो गई, अब कल इसकी समीक्षा बैठक बुलाई गई, तो बस यही बैठता है अब बलवंत राय मेहता कमेटी में। क्या बैठता है? दिस पर्टिकुलर कमिटी वॉज सेट फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फेलियर ऑफ CD कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। ठीक है, तो आप देखिए क्या लिखा है, बलवंत राय मेहता कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय, जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं। पहले तो देखिए आप ये मेन कमिटीज क्या क्या हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी कब एस्टेब्लिश हुई? 1957 में। तो इसमें हम लोग रिविजन के लिए आखिर में देखेंगे। ये चार कमेटी भी पढ़नी है हमको, अशोक मेहता, GVK राव एंड LM सिंघवी, काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसी के बारे में हम लोग डीप पढ़ रहे हैं। होता क्या, कंस्टिट्यूटेड मैंने बताया ना बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल टू लुक CDP, दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल NES 1953, इन दोनों को देखने के लिए। ऑब्जर्वेशन क्या था उनका? तो ऑब्जर्वेशन ऑफ फेलियर ऑफ स्कीम इज ड्यू टू लैक ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, मैंने जो बताया आप लोगों को, लोग ज्यादा इकट्ठा नहीं हुए, लोग ज्यादा इन दोनों प्रोग्राम से जुड़े नहीं। अब उनके ये पर्टिकुलर रीजन रहता है कि आपका जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और NES है, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपका क्या कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। ठीक है, चलिए, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इनका कुछ सजेशन होगा भाई, एक कमिटी बैठी है तो कुछ सजेशन ना देगी। दी सजेशन इन्होंने, दे हैव गिवन द सजेशन कि 3-tier गवर्नमेंट बनाइए। क्या बनाइए? 3-tier, 3-tier मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी। अब कैसे होगा ये? तो उन्होंने कहा कि आप सबसे नीचे लेवल, ग्राम लेवल पे, विलेज लेवल पे क्या बनाइए, ग्राम पंचायत बनाइए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि जो ब्लॉक लेवल है उसमें आप पंचायत समिति बनाइए। देखिए, ग्राम लेवल, जो विलेज लेवल है वहां ग्राम पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। तो आप देख रहे हैं कि अब आपको समझ आ रहा है कि 3-tier की गवर्नमेंट जो आज चल रही है हमारी, कहां से उनका स्टार्टिंग है। ठीक, देन ब्लॉक लेवल पे उन्होंने कहा पंचायत समिति बनाइए, और उन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, क्या बनाइए, जिला परिषद बनाइए। ठीक है, अब जो जो बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशन थे उसको देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी को किसने बनाया था, किसने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्या कर लेता है, NDC को, इसको बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। कब? 12th of January 1958 को। ठीक है, अब यहां पंचायत फॉर्म की जाती है, पंचायत फॉर्म करने को बोला जाता है, बट आपको यह पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि अगर बोलता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, तो यह गलत होगा। मैं बताऊंगा आपको कब मिलेगा, अलग से बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आप ये समझ के रखिए, क्वेश्चन पूछता है कई बार ऐसा घुमा के, विद रिस्पेक्ट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 3 लाइन दे देगा। पहला लाइन रहेगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वॉज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। आप यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सही लिख देंगे, आंसर गलत हो जाएगा, दिक्कत आ जाएंगे, 2 नंबर से नहीं निकला पेपर तो। इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, क्या, नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वॉज गिवन इन पर्टिकुलर दिस एक्ट। ठीक है, दिस इसमें अब पंचायत बनाने बोला गया, पंचायत बना दी जाती है। सबसे पहले पंचायत कहां बनती है, क्वेश्चन में पूछता है, द फर्स्ट एवर पंचायत ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एट अ विलेज कॉल्ड नागौर, जो एग्जिस्ट करता है राजस्थान में। कहां पे? ये आपके स्क्रीन पे लिखा है ना, फर्स्ट विलेज इन नागौर, राजस्थान। कब? 2 अक्टूबर 1959, गांधी जी के बर्थडे के दिन। बलवंत राय मेहता कमेटी, देखिए CDM जो हमने पढ़ा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 1952, उसके बाद हमने नेशनल वाला पढ़ा 1953,
इसके बाद हमने पढ़ा बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 में आता है और वो बोलती है उनके रिकमेंडेशंस को माना जाता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू। और पहला विलेज जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपने विलेज पे लाता है वो होता है राजस्थान का नागौर, क्वेश्चन में आएगा, टिक करिएगा। सेकेंड विलेज रहता है महबूब नगर ऑफ आंध्र प्रदेश, 1 नवंबर 1959। ठीक है, तो ये दो आपको पता होना चाहिए, फिर तो फिर सारे गवर्नमेंट धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं। असम में बनता है, सब में बनता है, फिर मध्य प्रदेश, यूपी, अलग अलग जगह। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए बलवंत राय रिकमेंडेशन के बाद कहां कहां कितने टायर के गवर्नमेंट बनते हैं। तो तमिलनाडु में 2 टायर गवर्नमेंट बनती है, 3 टायर गवर्नमेंट राजस्थान, एमपी, आंध्र प्रदेश में, और 4 टायर गवर्नमेंट आपका वेस्ट बंगाल में। ऑल डिवोल्यूशन, मोर डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन प्लेस इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, देन 1960-70 जो होता है, इस पर्टिकुलर 1960 से लेकर 1970 का बीच जो होता है, इस टाइम देखो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन आते हैं, 1959 से स्टार्ट हो जाते हैं पंचायत बनाना, 1970 10-12 साल में सारे के सारे जितने स्टेट उस टाइम एग्जिस्ट कर रहे थे सबने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बना लिया। क्या कर लिया? एवरी स्टेट मेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बट वर पावरलेस, कॉन्स्टिट्यूशनल अभी तक कोई पावर नहीं मिला है, बस बना दिया गया है, पोस्ट दे दी गई है। ठीक है, लड़ रहे हैं बेचारे अपने हक के लिए भी। ठीक, आफ्टर 1970, अब देखिए जब पावर नहीं है, हक नहीं है, तो कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती लंबे टाइम तक। भाई क्यों इलेक्शन लड़े जब कुछ कर ही नहीं सकते, तो लोगों को लगेगा ना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आफ्टर 1970 ड्यू टू नो एंड लेस पावर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पीआरआई वाज वैनिशिंग, पीपल वर नॉट पार्टिसिपेटिंग ऑन पंचायती राज। लोगों को लगा यार कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का, फालतू एक बना दिया गया है क्योंकि रिकमेंडेशन आया गवर्नमेंट ने, इलेक्शन करवा ले रहे हैं, काम कुछ है नहीं, पावर कुछ है नहीं, पैसा कुछ है नहीं, फाइनेंसेस कुछ है नहीं विलेज के पास, हर चीज के लिए ऊपर ही जा रहे हैं आप एमपी के पास, एमएलए के पास, और वहां से आपको भगा दिया जा रहा है। ये रीजन था कि उनको लगा 10-12 साल में देयर इज नो यूज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। सो 1870s के आते आते आपको दिखता है कि बहुत ही कम, मतलब वैनिश होने लगा क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बट फिर इस टाइम बैठाई जाती है जब गवर्नमेंट को दिखता है ऐसा क्यों हो रहा है, भाई कुछ भी, जब सीडी आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल कर गया तब बैठा दी गई क्या बलवंत राय मेहता कमेटी। भाई समझ तो आए, गवर्नमेंट में तो पीएम चेंज हो रहे हैं, विधायक चेंज हो रहे हैं, एमपी चेंज हो रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, तो उनको कैसे समझ आएगा नए वाले को, तो इसलिए फिर कमेटी बैठाई जाती है। नेक्स्ट कमेटी वॉज अशोक मेहता कमेटी, बैठ गई अशोक मेहता कमेटी। अब ये टाइम रहता है 1977 का, कौन सा टाइम है, मैंने बताया 70s में अब डाउनफॉल आ चुका है किसका, पंचायती राज का। इट वॉज मियरली एग्जिस्टिंग इन सम ऑफ द विलेजेस, और जहां कर भी रहे थे लोग उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल वाले फील्ड में आ गए थे लोग। ठीक है, अब इन्होंने बहुत रिकमेंडेशन दिया, काफी अच्छे से इन्होंने ब्रेनस्टॉर्म किया, 132 रिकमेंडेशन इन्होंने दिए थे, काफी लेंथी रिकमेंडेशन थे। अब मैं आपको कुछ ही रिकमेंडेशन बता रहा हूं, 132 रिकमेंडेशन पढ़ेंगे तो 5 क्लास इसी में बन जाएगी और यूज भी नहीं है। इन्होंने कहा बलवंत राय ने 3 टायर गवर्नमेंट बोला, अशोक मेहता ने 2 टायर गवर्नमेंट बोला, क्या बोला कि 2 ही टायर गवर्नमेंट बनाई है, एक जिला परिषद रखिए और एक मंडल परिषद रखिए आप, ये डिफरेंस आ गया है। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा बलवंत राय मेहता कमेटी में, विद रिस्पेक्ट टू बलवंत राय मेहता कमेटी, टू टायर गवर्नमेंट बनाने उन्होंने कहा, गलत, अशोक मेहता ने कहा था, तो यही घुमाता है, ये पता होने चाहिए। अशोक मेहता ने 2 टायर बोला, जिला परिषद एंड मंडल परिषद। ठीक है, इसके बाद इलेक्शन इन पंचायत, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया दैट टू पार्टी वाइज, मतलब जो कांग्रेस, भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस, आईएनसी और क्या क्या होती है पार्टियां, बसपा, सपा, डीएमके, एआईडीएमके, सब लड़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, पार्टी वाइज लड़िए। एससी एंड एसटी, स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन एज पर पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। ठीक है, द राइट्स ऑफ टैक्सेशन ट्रांसफर टू विलेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन में एक था, भाई पैसे दोगे, इकोनॉमिक फ्रीडम दोगे, तभी तो कोई गवर्नमेंट, तो कोई विलेज के ग्राम पंचायत काम कर पाएगा। तो ये रिकमेंडेशंस थे अशोक मेहता कमेटी के। ठीक है, फर्स्ट कमेटी टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत, मैंने बोला था आपको बताऊंगा मैं अलग से, यही है बलवंत राय में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला, यहां पे इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है। ठीक है, बट ये रिकमेंडेशंस को सबको मिल तो जाता है, बट क्या होता है, जनता दल की गवर्नमेंट गिर जाती है।
ठीक है, तो बहुत सारे रिकमेंडेशन इनके एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नई गवर्नमेंट आती है तो जनरली पुराने रिकमेंडेशन को उतना ध्यान नहीं देती, नया कमेटी बैठा लेती है। तो फिर 1978 के टाइम में जनता दल की गवर्नमेंट 77 में गिरती है, फिर आती है INC और वो फिर दांते वाला कमेटी बैठाते हैं, और दांते वाला कमेटी के रिकमेंडेशन होते हैं कि प्लानिंग एट ब्लॉक लेवल करिए, ठीक है, इतना ही पता होना चाहिए आपको, ज्यादा मत इससे जानिए। देन हनुमंत राय कमेटी एक बैठती है 1983 में और उन्होंने कहते हैं प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। पहले हम दांते वाला में क्या बोलते हैं, दांते वाला ब्लॉक की बात करते हैं और हनुमंत राय करते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट की बात कि प्लानिंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल देखिए और ब्लॉक लेवल। देन एक कमिटी बैठती है जो कि है GVK राव कमिटी ऑफ 1985, काफी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। अब इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का रिकमेंडेशन होता है, ये एक्चुअली बैठती क्यों है, तो रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, किसके लिए, ग्रामीण जो इलाके हैं, जो रूरल इलाके हैं वहां पे गरीबी कम करने और उनके डेवलपमेंट के लिए इनका रिकमेंडेशन होता है। फोर टायर गवर्नमेंट, फोर टायर पंचायत के बारे में बोलते हैं और क्या बोलते हैं, रेगुलर इलेक्शंस कराइए। अब फोर टायर जो इनकी पंचायत होती है वो कैसे डिवाइड करते हैं, तो एक स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की बात करते हैं, फिर बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एक बनाइए, ब्लॉक पंचायत समिति बनाइए और ग्राम पंचायत बनाइए आप, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू GVK कमिटी, GVK राव कमिटी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन की बात की थी, रिडक्शन की, ठीक है। अब आता है LM सिंघवी कमिटी, ठीक है, यहां आखिरी के दो कमिटीज बची हैं। LM सिंघवी कमिटी 1986 में बैठती है, कब, 1986 का टाइम, जिस टाइम पे राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट रहती है, ठीक है। और इस कमिटी को राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट क्यों बैठाती है, फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। भाई यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अशोक मेहता के पहले मैंने बताया था कि अब वैनिश हो रहा था, क्या खत्म होने के कगार पे था पंचायती राज, तो इनको उसके बाद गवर्नमेंट, इतना टर्मोइल आ जाता है ना इंडिया में, जनता दल गवर्नमेंट आती है जाती है, क्या लग जाता है आपका इसी टाइम पे, आपका इमरजेंसी लगती है, तो ये सारी चीजों की वजह से इस पे ध्यान नहीं दे पाती क्या गवर्नमेंट पे, फिर माइंस आ जाते हैं। अब जब टाइम ठीक आता है तो LM सिंघवी कमेटी बैठाते हैं राजीव गांधी जी, और वो रहता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के को, मतलब रेस्टोरेशन के लिए, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें क्या बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बोलते हैं LM सिंघवी जी की कमेटी की, प्रोवाइडिंग मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत। इनका कहना था भाई थोड़ा सा पावर स्टेट फाइनेंस कमीशन से, पावर मतलब थोड़ा सा पावर इनके पास बढ़ाओ, फाइनेंसेस इनके पास बढ़ाओ और पॉलिटिकली इनका पावर बढ़ाओ और कॉन्स्टिट्यूशनली एक स्टेटस दो इनको और अच्छा, ठीक है। जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनाने की बात करते हैं। फिर आती है PK थंगन कमेटी। अब PK थंगन कमेटी एक्चुअल में क्या कमेटी होती है, तो ये जो पार्लियामेंट होते हैं वो उसमें ना कुछ कुछ MPs को बना मिला मिला के अलग अलग पर्टिकुलर टास्क के लिए अलग अलग कमेटी बनाई जाती है। तो वैसे ही PK थंगन उस टाइम पे MP थे और उनके अंदर एक कमेटी बनाते हैं जूनियर MPs के साथ मिक्स करके और ऑफिसर्स देके, उस कमेटी का नाम होता है PK थंगन कमेटी, और इनके रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट अपॉइंटेड टू कंसिडर टाइप ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ एक्चुअल बात होती है कि कैसे उनकी पॉलिटिक्स, मतलब किस कितने टायर की गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर ग्राम पंचायत है तो कौन सा ऑफिसर होना चाहिए उनके अराउंड, कौन से ऑफिसर उनके को अप्रोच वो करेंगे, किस पर्टिकुलर जगह पे कौन एग्जिस्ट करेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर द प्लानिंग, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या होते हैं इनके, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल बॉडीज, ठीक है, थ्री टायर गवर्नमेंट, रिजर्वेशन फॉर वुमेन, देखिए रिजर्वेशन फॉर वुमेन यही आता है कहां पे, PK थंगन कमेटी 1988। देन इलेक्शन एवरी 5 ईयर, इनका कहना था कि इलेक्शन यार हर 5 साल में होने ही होने चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं कि जब तक स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं बनेगा तो जो मेन चीज है ना कि फाइनेंशियल, जो लास्ट टू जो आपके इसमें भी बोला, जो LM सिंघवी भी बोले कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस को आपको डिवॉल्व करना है, वही चीज को एक्चुअल में कैसे किया जाएगा, तो वो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने की बात करते हैं फिर PK थंगन, सो दैट द फाइनेंसेस शुड बी डिवाइडेड, द टैक्सेशन पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, मतलब ग्राम पंचायत और स्टेट के बीच में। फिर जो आखिरी होती है और जो होती है बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, जो सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से आपका आपको जो हम लोग 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे इसी के बाद पढ़ेंगे, तो ये आता है आपका VN गडगिल कमेटी, जो कि एक इंटरनल कमेटी है, मतलब कोई गवर्नमेंट की कमेटी नहीं होती है,
भाई कांग्रेस जो है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने अंदर उनके एक पॉलिटिशियंस होते हैं वीएन गडगिल, उनके अंडर एक कमेटी बनाती है अपने ही कांग्रेसियों के साथ, मतलब अपने आईएनसी के मेंबर्स के साथ 1988 में। और ये जो उस टाइम गवर्नमेंट भी रहती है किसकी, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन इनका जो रिकमेंडेशन होता है, इनका एक्चुअल बनाया क्यों जाता है, तो इनको बनाया जाता है टू मेक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मोर इफेक्टिव। ये कमिटी रिकमेंडेशंस देती है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पीआरआई। तो यही मेन बेसिस हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पीआरआई के लिए, ठीक है। थ्री टायर गवर्नमेंट, रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड वुमेन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। देखिए अभी तक क्या बात हो रही थी, मैं देखिए बता रहा हूं आपको। फाइनेंसेस डिवाइड होनी चाहिए, हम दो लास्ट कमिटी में पढ़े, कैसे डिवाइड होगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन बना तब डिवाइड हुआ। लास्ट आप दो कमेटियां पढ़ रहे हैं, इलेक्शंस रेगुलरली होने चाहिए, कौन कराएगा जब तक स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हुई। अब आप देख रहे हैं, ये इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ये सारी चीजें, कि इवोल्यूशन देखिए आप, हर चीज रिलेटेबल है, ठीक है। पुरानी गलतियों से नया आप सीखते हैं, पुराने रिकमेंडेशन से आप समझते हैं कि ये रिकमेंडेशन अभी भी कम है, नए रिकमेंडेशन और पावरफुल रिकमेंडेशन दिए जाते हैं फिर, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है आपका ये कमिटी अपनी देती है, और ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है अब दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत फर्स्ट पहली बार कब ट्राई किया जाता है, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1989 में राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट लाती है, और ये बिल लोकसभा में तो पास हो जाता है, बट राज्यसभा में उस टाइम पे इनके पास क्या नहीं होता, पावर मेजोरिटी नहीं होती और वहां वो फॉल कर जाता है। तो ये फर्स्ट ट्राई था 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इसके बाद सेकंड ट्राई होता है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वीपी सिंह लेके आते हैं, और ये भी नहीं हो पाता पास क्योंकि गवर्नमेंट गिर जाती है, टर्मोइल था बहुत उस पर्टिकुलर टाइम में, आपको याद होगा इकोनॉमिक क्राइसिस का टाइम चल रहा था इस टाइम पे। देन एक्चुअल में जो ये एनकैश होता है, जो पास होता है, वो 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जहां पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पावर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर इसके बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसको भी पावर दिया जाता है अर्बन बॉडीज के लिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम लोगों ने आज, हम लोगों का क्लास तो आज खत्म हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डीप में और चीजें एक्चुअल में जो हम लोगों को, और मतलब एक एक जो आर्टिकल है इसके अंदर 73rd और 74th के बाद जो बनाया गया। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा देखते हैं हम लोग फिर से। तो हमने सबसे पहले देखा क्या, बलवंत, पहले देखा हमने CDM, पहले हमने देखा आर्टिकल 40 एंड 40, आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 की बात की, फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज की बात की हमने 1953, फिर हमने बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में बात की, और देखिए यहाँ देखिए हमने क्या क्या बात की, बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में बात की, उसमें क्या पढ़ा हमने, थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम पढ़ा, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल पढ़ा, डायरेक्ट इलेक्शन की बात की उन्होंने, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल के, और जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और क्या बात की उन्होंने, इनडायरेक्ट इलेक्शन इन दोनों जगहों पे, ठीक है। फिर हमारा देखा अशोक राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, इसमें टू टायर गवर्नमेंट की बात, पॉलिटिकल पार्टी शुड पार्टिसिपेट एट ऑल लेवल इन इलेक्शन, ये बात की गई, ठीक है। देन जीवी के राव की बात की हमने, अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन द कमिटी कंक्लूडेड दैट द डेवलपमेंट प्रोसीजर वर ग्रेजुअली बीइंग टेकन अवे ऑन द लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन रिजल्टिंग इन अ सिस्टम कंपेरेबल टू ग्रास रूट, ये भी पढ़ा हमने। फिर LM सिंह भी, जिसमें हम लोग आखिरी पढ़ा 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात पढ़ते हैं कि इसके बाद आता है, ठीक है। चलिए आप लोगों को अगर क्लासेज अच्छी लग रही हैं, होप सो आप लोगों को क्लासेज अच्छी लग रही हैं, मेरे को समझ आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कुछ दिक्कतें हैं तो, क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाइए जो स्क्रीन पे आपके नीचे है, बहुत एक मिनट लगता है दबाने में लाइक बटन। इसके साथ आप लोगों को दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जिनको भी पढ़ना है इस टॉपिक को, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, उनके साथ शेयर करिए, सो दैट दे विल ऑल्सो बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस क्लासेस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गाइज बी हैप्पी, बी इंजॉय, रिविजन करते रहिए, बस ये मेरा कहना है बार बार। थैंक यू।